हम इस वक्त नवाब हमजा मियां के साथ हैं और आज रामपुर में बड़ा दिन है, दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। कितना कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हैं इस वक्त? जो मुझे सुबह से फोन आ रहे हैं, लोगों ने सुबह से मुबारकबाद देना शुरू कर दी, सो आई फील, मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ लैंडस्लाइड विक्ट्री एंड आई एम पॉजिटिव। पब्लिक को विकास चाहिए, पब्लिक को बंटवारा नहीं चाहिए, जो समाजवादी पार्टी करती है। जब अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने विकास का कोई मुद्दा नहीं उठाया, सिवाय उन्होंने कहा भैंस चोरी बकरी चोरी के मुकदमे लग गए, जबकि पब्लिक भी जानती है अगर आप किसी का घर तोड़ेंगे तो जो भी उसके अंदर चीजें होंगी सब पे जो चीजें गायब होती हैं उसमें चोरी का मुकदमा तो लगेगा ही। सो जनता सब समझिए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे एक भरोसा भी है कि ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्वार के जो लोग हैं थोड़े से डिसग्रंटल्ड हैं, लेकिन मुस्लिम बहुमूल्य वोट यहाँ पर इतना ज्यादा है जो कई वर्षों से आजम खान और उनके परिवार के लिए वोट करता आया है, तो इस बार ये आपको लगता है कि आप उनके सेंटिमेंट्स अपने लिए स्वे कर पाएंगे? ऐसा है, स्वार विधानसभा हमेशा हमारी सीट रही है, पहली बार 2017 में इन्हें स्वार सीट मिली है और वो भी धोखे से मिली है, वो भी कोर्ट ने इनको फिर हटा दिया था और अब ये सीट जहाँ पर आनी चाहिए सीट वहीं वापस आएगी। और आजम खान तो अभी भी जेल में हैं, अब्दुल्ला बाहर हैं बेल पर, तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर उनको वोट मिलता है तो भी क्या स्थिति रह सकती है रामपुर और स्वार में? देखिए, पब्लिक जानती है कि सपा के प्रत्याशी को वोट देने का कोई मतलब नहीं है, आज बेल पे है और जेल जाना निश्चित है और 10 मार्च के बाद उनका रास्ता वापस सीतापुर की तरफ जाएगा। गड़बड़ करी है, घोटाले किए हैं तो उसकी सजा तो मिलेगी और पब्लिक भी जान रही, जब उन्होंने 17 में उन्हें वोट दिया तो 5 साल पब्लिक वीरान रही, विधानसभा सुनी रही, जब विधायक भी थे तो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं, एक मोटरसाइकिल छुड़ाने का काम नहीं कर पाए थाने से, तो पब्लिक भी इस चीज को समझ रही है, विकास कार्य नहीं हुए, पब्लिक अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। आप अपना दल के एक लौते मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो एक तरीके से आप लोगों ने भी कॉम्बिनेशंस अपने सेट कर लिए हैं, लेकिन आपके फादर जो हैं वो कांग्रेस की सीट से लड़ रहे हैं, ये अपना दल और कांग्रेस एक ही परिवार में? जब मुलायम सिंह जी की बहू बीजेपी में रह सकती है अपर्णा जी और अखिलेश यादव पार्टी चला रहे हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, और अपर्णा जी जब पार्टियों से नीतियों से प्रभावित हो सकती हैं, मैं भी सरकार की और अपनी पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल जी की नीतियों से प्रभावित हुआ था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है, वो मेरे पिताजी की अपनी वालिद की अपनी सोच नीतियां हैं, मेरी अपनी है। जी जी बिल्कुल। और हमजा यूथ लीडर देखे जाते हैं, किस तरीके से रुझान रहेगा वोटिंग का, लेकिन सवेरे की बात है, दिन अभी पूरा बाकी है और काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि टक्कर की लड़ाई है हमजा और अब्दुल्ला के बीच जो स्वार की सीट के लिए लड़ेंगे। प्रदीप गुप्ता के साथ मिलन शर्मा, आज तक।